रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमें फाइंड करना है। एक कंडक्टर इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और इस कंडक्टर की लेंथ है एल। आपने यहां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया कितना वी, और इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रिक करंट यहां एस्टेब्लिश हो गई कितनी करंट आई, और ये करंट किस फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी है, द वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज वी डी। करंट थ्रू द कंडक्टर आई इक्वल्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इफ चार्ज क्यू फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन टाइम टी, टी टाइम में चार्ज क्यू फ्लो करता है, तब आई इक्वल्स क्यू बाय टी। क्यू क्या चीज है यहां पर, क्यू है चार्ज कैरीड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहां, पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना है, स्मॉल ई। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कैसे फाइंड करेंगे, एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू है, चलिए फिलहाल तो मैं इसको n लिखता हूं। n क्या है यहां, n है इसे हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसे एक और नाम कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये लोहा है, ये आयरन है, तो इस आयरन का एक पीस लिया कितना, जिसका वॉल्यूम एग्जैक्ट 1 क्यूबिक मीटर हो, और उसमें कैलकुलेट कर लिए कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मेरे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में सपोज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10^6 है, मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम में, अगर इस कंडक्टर का मेरे पास यूनिट वॉल्यूम होता 1 क्यूबिक मीटर, तो उसमें 10^6 होते फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं कैसे फाइंड करेंगे हम, इसमें कितने हैं कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट वॉल्यूम में है एन, तो गिवन वॉल्यूम में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एन को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से। तो वही हमें यहां करना है, एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप में है ये,
एरिया ऑफ बेस क्या है इसका ए, और इसकी हाइट या लेंथ कितनी है एल, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो गया ए इंटू एल। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या बना ए इंटू एल, और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ई, तो ये तो आपका चार्ज हो गया। अब हमें फाइंड करना कि कितना टाइम लगा, इलेक्ट्रॉन यहां से चला और पूरी लेंथ इसने पार करी टी इज इक्वल टू क्या होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय जितनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो कितना हो गया बोलिए एल बाय वी डी। अब सिंपल सी बात है, हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या बना चार्ज कितना है एन ए एल ई, और ये क्या बना एल बाय वी डी। एल कैंसिल हो गया यहां और बचता है आपके पास एन ई ए वी डी एम्पियर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा करंट आप फ्लो कराएंगे कंडक्टर के अंदर, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें तेजी के साथ चार्ज कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा एक्सप्रेशन है लेकिन ये आगे कई सारे फॉर्मूले में इसका यूज आएगा।